हॉट्स वाज द यस सर, क्वेश्चन है ना। यस सर, ठीक है, डाउन क्लास की वीडियोस भी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अच्छा अब देखो, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोग थे, दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग करके प्रूव कर दिया, ठीक है ना। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। आई गेस ब्रेक मिला था उसमें, आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना। यस सर, यस सर, ले आगे। यस सर, यस सर, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करना है कि फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ? सर सिक्स, सिक्स क्वेश्चन करना है। यस सर, सिक्स में देखो, वन अपॉन थ्री माइनस रूट रेशलाइज करोगे किससे होगा, थ्री प्लस रूट एट से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस रूट एट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नाइन माइनस एट विच इज वन। फिर वन अपॉन रूट एट माइनस रूट सेवन को क्या लिख सकते हो आप, रूट एट प्लस रूट सेवन लिख सकते हो। तो सारों को लिख लो ना, बहुत आसान हो जाएगा। थ्री प्लस रूट एट माइनस रूट एट प्लस रूट सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सिक्स माइनस रूट सिक्स प्लस रूट फाइव माइनस सॉरी प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस रूट प्लस टू आ जाएगा, रूट फाइव प्लस टू। अब देखो रूट एट कट जाएगा, रूट सेवन माइनस रूट सेवन प्लस कट जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स माइनस कट जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट फाइव प्लस कट जाएगा, तो थ्री प्लस टू बन जाएगा फाइव। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेवेंथ करने की जरूरत है क्या? एट, यस सर, यस सर, सेवेंथ वाला, यस सर, यस सर, यस सर। सेवेंथ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई पहले से क्या लिखा है, एक्स वाई वन लिखा है सेवेंथ में, और क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा। तो पहले एक्स को सिंप्लीफाई करता हूँ, रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ टू अपॉन रूट ऑफ फाइव माइनस रूट ऑफ टू, रेशलाइज कर दिया किससे, रूट फाइव प्लस रूट टू से। ये मेरे पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, वाई क्या बन जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, I'm skipping some steps. So x becomes 5 plus 2 plus 2 root 10 by 3. Y becomes 5 plus 2 minus 2 root 10 by 3. So what can I say from here? X will be 3x will be what? 3x kitna ho jayega? 7 plus 2 root 10. 3y kitna ho jayega? 7 minus 2 root 10. So 3x plus 3y kitna ho jayega? x plus 3y आपके पास हो जाएगा 14, तो x plus y कितना हो जाएगा, 14 by 3 हो जाएगा। Is it clear? ये चीज और ये चीज क्लियर है। अब जो वैल्यू निकाल लिया, 3x square plus 4xy minus 3y square। अब मुझे एक चीज बताओ आप, क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या मैं बोल सकता हूँ 3x square minus 3y square को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 taken out common, x square minus y square plus 4xy, xy will be 1, so 3x minus y x plus y plus 4, so 3x minus y मुझे पता नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ, x plus 5 मुझे पता है 14 by 3 plus 4 है। now you will appreciate x minus y कैसे निकालोगे, देखो x पता है y पता है, तो 3x minus 3y कितना हो जाएगा, 4 root 10 हो जाएगा। देखो 7 7 तो कट जाएगा, 2 apple plus 2 apple gives you 4 apple, x minus y कितना हो जाएगा, 4 by 3 root 10 हो जाएगा। लिख लेते हैं, 4 by 3 root of 10 into 14 upon 3 into 3 plus 4, 3 3 कट गया, 14 into 4 कितना हो जाएगा, 56 root 10 by 3 plus 4 को लिख सकते हो 3 by 3, तो ये final answer आपके पास कितना बन जाएगा, 56 root 10 plus 12 upon 3. Is it clear? तो ये आपका final answer हो जाएगा. Note कर लेंगे आप. ठीक है. Next eighth करने की जरूरत है क्या? अभी eighth तो मैंने करवा दिया ना आपको. Same question है. Yes sir. Ninth करने की जरूरत है क्या? Yes sir. Yes sir. Okay.
देखो नाइन्थ को कैसे करेंगे, सारे बच्चों ने लिख लिया इसको सर, बाकी है लिखना सर, एक मिनट लिख लो, सारा सारा लिख लो, ऐसे मत सोचो इसका अपलोड कर देंगे तब लिख लेंगे, भूल जाओगे फिर बाद में, कभी नहीं आता वो दिन। नीचे लेके लेके चलो नीचे, एक्स और वाई मिल जाएगा आपको, चले आगे। चले शुड वी मूव ऑन नाउ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, x का वैल्यू दिया हुआ है 4ab बाय a प्लस b, आपको निकालना है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b का वैल्यू। ओके तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखना बहुत अच्छे से मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, कंपोनेंटो डिविडेंडो की मदद से। क्या मैं 2a यहां से नीचे लेके जा सकता हूं, क्या बन जाएगा 2b by a plus b बन जाएगा, डू यू एग्री विथ मी? यस सर। अप्रिशिएट x plus 2a upon x minus 2a क्या हो जाएगा यहां से आर्यन बताओ, 2b plus a plus b हो जाएगा upon 2b minus a plus b हो जाएगा, यस और नो? यस सर। हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास a plus 3b upon b minus a, yes? Similarly, x plus 2b upon x minus 2b को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से x upon 2b is equals to 2b, यहाँ पे बना तो यार 2a, a plus b, यहाँ से क्या मिल जाएगा x plus 2b, अक्षर पता चल रहा है, 2a plus a plus b upon 2a minus of a plus b, यहाँ a minus b मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 3a plus b मिलेगा, yes? तो इस expressions को क्या करना है, दोनों को add करना है, कर लेते हैं, a plus 3b upon b minus a plus 3a plus b upon a minus b है, इसको b minus a लिखूंगा तो एक negative generate हो जाएगा, तो a plus 3b माइनस 3a माइनस ऑफ b अपॉन b माइनस a, एलसीएम ले लिया मैंने तो 3b माइनस b 2b माइनस 2a b माइनस a कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, सही है, तो नाइन्थ का आंसर 2 आ जाएगा, लिख लो इसको आप। फिर टेंथ वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया है,
तो आपका हॉट्स का एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन सर। यस बेटा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कब नीचे लेना है, अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आया तो? वही तो प्रैक्टिस है, उसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। x plus 2a कैसे करेंगे अपॉन x minus 2a, कंपोनेंटो डिविडेंडो। यही तो ट्रिक है बेटा, यही तो सीखना है। यस सर। मुझे x plus 2a upon x minus 2a दिखा तो मुझे क्लिक हो गया कि मुझे 2a से डिवाइड करके कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। वरना अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता। ठीक है, चले आगे, लिख लो सारे के सारे बच्चे। तो आपने ओलंपिया ड्रिल की है, तो ओलंपिया ड्रिल में डाउट है आपको? हाँ सर। चलिए लेट्स सी दोस डाउट्स एज वेल। शुरू करेंगे पहले ओलंपिया ड्रिल वन से। सर वो ओलंपिया का सर जो सब बताया ना, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वो सब वो भी बता दूँ। हाँ सर एक बार बता दो ना, सारा का सारा बता दूँ? हाँ सर। यस सर, का सारा देख लेते। तो ओलंपिया ड्रिल के रिलेटेड हम पूरा थ्योरी देख लेते हैं। ओलंपिया ड्रिल्स ओलंपिया ड्रिल में आपके पास क्या दिया हुआ है देखो, एक एक स्टेटमेंट हम समझते हैं, ठीक है ना। पहला रिजल्ट क्या दिया हुआ है देखो, एनी नेचुरल नंबर n व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय p क्यू आर r लीविंग द रिमाइंडर्स इन ईच केस विल बी ऑफ द फॉर्म k टाइम्स द एलसीएम ऑफ p क्यू आर प्लस s where k can be 0, 1, 2, 3. मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ ना, मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ही लेके चलता हूँ सबकी तरफ, तो ये भी चीज़ हमारी कवर हो जाएगी। बहुत अच्छा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था 10th के लिए, सेम आप भी पढ़ सकते हैं। तो पहले यहाँ से एक अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेंगे पहले। सबसे पहली चीज़ जो ये जो बताना चाह रहा है, जो ये चीज़ बोल रहा है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगर अभी हम थियोरी पढ़ेंगे तो 2-3 क्लास तक आपका थियोरी चलेगा ओलंपियाड का, उसके बाद हम ओलंपियाड के उस लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले थियोरी देख लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो थियोरी में क्या है, पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात हो रही है। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? अब लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, बोल सकते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं हम उसको एज इट इज। यूक्लिड ने बनाया इसीलिए यूक्लिड का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? वो बोलना चाह रहा है किसी भी एक नंबर को आप, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोलिए, 25 एक नंबर है, अगर मैं बोलता हूँ उसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 7 टाइम्स समथिंग प्लस सम रिमाइंडर, है ना। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम मालूम है कि नहीं मालूम, ठीक है। तो 7 × 3 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 4 लिख सकते हैं, सही है। Yes, sir. क्या बोला यूक्लिड ने, बोला किसी भी नंबर को, मतलब मान लो ये डिविडेंड है आपके पास और ये डिवाइजर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिविडेंड को लिख सकता हूँ डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो जो मेरा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा
डिवाइजर से छोटा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? बहुत आसान है चीज। तो अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे हमारा फैमिली ऑफ नंबर्स होता है ना, फैमिली ऑफ नंबर्स तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि वो सारी फैमिली ऑफ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव रिमाइंडर 3। तो वो नंबर्स की सारी फैमिली जिनको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 3 आता है, तो वो नंबर्स कौन से होंगे बताओ मुझे? 1 होगा क्या? सॉरी 3 होगा क्या? 3 सबसे पहला। yes, sir. फिर क्या होगा? 7 होगा? 11 फिर 19 बोल सकता हूँ? 19। तो इन सारी फैमिली ऑफ नंबर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये सारे ऐसे नंबर है, लेट्स से n, जिनको 4 से डिवाइड करते हैं तो कुछ कोशेंट आता है प्लस 3 रिमाइंडर आता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। समझ आ गया? यस सर। सारे बच्चों को समझ आ गया? आयुष बेटा पता चला आपको? अच्छा, बिफोर आई एम टीचिंग यू ऑल दिस, दिस इज नॉट एट ऑल फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, अगर आप अपने आप को स्कूल तक लिमिट करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। स्कूल एग्जामिनेशन का पोर्शन हम कब का कंप्लीट कर चुके हैं वो आप अपने असाइनमेंट्स को करके अपना नॉलेज बता सकते हैं कि हाँ DPPs कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, स्कूल हो गया, काफी है। ओलंपियाड इज समथिंग डिफरेंट, दैट्स 2 लेवल अहेड। ठीक है, तो हम ओलंपियाड की चीजें पढ़ रहे हैं सारी की सारी, डोंट मिक्स इट विद स्कूल। सर ये भी स्कूल में आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी आप सेकेंड थॉट मत रखना, दिस इज नॉट एट ऑल देयर इन स्कूल। ओके, नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव रिमाइंडर 9, बताओ। चलो क्या होगा? डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 9, बताओ हो सकता है ऐसा कोई फैमिली? नो नो सर, ये हो ही नहीं सकता। अरे 7 होगा सर, 9 रिमाइंडर कैसे आए? सही है ना? इज इट क्लियर और नॉट? सही है? यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, फैमिली ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 5। ये सारे कौन से नंबर्स होंगे? 7 क्यूब प्लस 5। पहले तो नंबर्स को अंडरस्टैंड करो कौन से हैं। 12, 19, 26, yes, बोल सकता हूँ। इनको लिखा कैसे जाता है? 7 क्यूब प्लस 5, तो क्लियर? यस सर। यस, ठीक है, तो बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 7 क्यूब प्लस 5 इस पूरी फैमिली का नाम, फैमिली पहचानना है तो 7 क्यूब प्लस 5 इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हिच फैमिली इट बिलोंग्स टू। इज इट क्लियर सर? फैमिली के नाम है पूरा। हाँ, पूरी फैमिली का नाम है। जैसे हमारी फैमिली होती है जैन फैमिली है, पिटारिया फैमिली है, ठीक है ना, प्रजापति समाज, ठीक है ना। दीज आर फैमिलीज, सो दीज आर द फैमिली नेम गिवन टू इट। ओके, नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड, अब मुझे और क्या अंडरस्टैंड करना है? तो ये हमने क्यों फैमिलीज को नाम दिया? तो जो डिवाइजर है, जो आपका डिवाइजर है, वो अगर आप फिक्स कर देते हो, अगर आप अपना डिवाइजर फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो पूरा नंबर सिस्टम जो है आपका नेचुरल नंबर्स का, नंबर सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिवाइजर मेरा फाइव है, तो पूरे नेचुरल नंबर है ना जो आपके, वो 5 पार्ट में डिवाइड हो गए। कैसे? एक नंबर होंगे 5 क्यू वाले, एक होंगे 5 क्यू प्लस 1 वाले,
एक होंगे 5q+2 वाले, एक होंगे 5q+3 और एक होंगे 5q+4। क्या इसके अलावा कोई नंबर्स होंगे फैमिली में? नहीं सर। तो पूरी नंबर डिफाइन हो गई। अगर मेरा डिवाइजर फिक्स हो गया, या मैं जितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे 5 फैमिली में डिवाइड हो जाएंगे। हर एक फैमिली के अंदर मैं मेंबर्स को लिख देता हूँ, एक एक दो दो मेंबर्स को। तो पहले इसके अंदर कौन से मेंबर्स होंगे? 5, 10, 15, इज इट क्लियर? ये सारे नंबर्स होंगे इसके अंदर। 20, 25, 1। इसमें कौन से होंगे? 1, 6, 11, 16, ये सारे होंगे। नेक्स्ट इसमें 2, 7, 12, 17। नेक्स्ट इस फैमिली में कौन से होंगे? 3, 8, 13, 18, 14, 19। सही है, सब बच्चों को पता चल रहा है? यस सर। यस सर। तो हुआ क्या, इफ माय डिवाइजर इज 5, माय होल नंबर सिस्टम इज बीन डिवाइडेड इनटू 5 parts. Okay? अब आप उनसे पूछेंगे, सर ऐसा आपने क्यों किया, इसका यूजेज क्या है? ठीक है, उसका यूजेज क्या है? तो आइए इसका आप यूज देख लेते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है क्या? सर यस सर। Give me 1 minute. Let me adjust something. अब मुझे बताओ, अब आवाज कैसी आ रही है आपको? हेलो सर, अब बराबर आवाज आ रही है। अब परफेक्ट है, अब सही है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड चीज ये हमने क्यों किया। तो आपको एक मैं बहुत स्पेशलिटी बताता हूँ, देखो एक मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी इन मेथड से ही प्रूव होती है। प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर ऑफ एनी, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 विल नेवर गिव रिमाइंडर 2। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको, किसी भी स्क्वायर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी 2 रिमाइंडर नहीं देगा। भाई 3 से डिवाइड करने में क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, लेकिन रिमाइंडर कभी 2 नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हेलो। यस सर। यस सर। बट ये मेरी प्रॉपर्टी पहले तो सच है कि नहीं है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। लेट्स टेक सम नंबर्स। 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट 5 ले लेते हैं, 5 को स्क्वायर किया 25 बाय 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। सही है। फिर एक नंबर ले लेता हूँ, मान लेते 6 का स्क्वायर किया 36 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप कोई भी लेके देख लो, रिमाइंडर 0 या 1 आएगा, कभी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, ये सबको क्लियर है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? किसी भी नंबर का स्क्वायर यस सर और 3 से डिवाइड करता हूँ तो कभी भी रिमाइंडर आपके पास 2 नहीं आएगा। ये हम प्रूव करने वाले हैं। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक नंबर को नहीं ले सकता ना, जैसे मैंने 2 लेके दिखाया, 5 लेके दिखाया, 6 लेके दिखाया, कितने लूंगा? तो मैं क्या करता हूँ,
नंबर सिस्टम को फैमिली में डिवाइड कर देता हूँ. तो मैं बोलता हूँ एक नंबर को मैं लिखता हूँ 3q+ सम रिमाइंडर के फॉर्म में, मुझे पता नहीं रिमाइंडर क्या, लेकिन 3q+r फॉर्म में लिखा. तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा नंबर सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तो 3q वाले नंबर्स होंगे, या 3q+ वाले नंबर्स होंगे, या 3q+2 वाले नंबर्स होंगे. क्या किसी को डाउट है इसमें? नो सर. अब नंबर्स जो 3q वाले फॉर्म के है, ठीक है, तो अब इसने बोला क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो ये पहले तो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है. नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ इट. तो इनको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² हो जाएगा. 3q+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9q² + 6q+1 हो जाएगा, ठीक है ना. 3q+2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12q+4. ये सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं आगे से लिखता हूँ. 9q² + 12q+4. एक सेकंड. 9q² + 6q+1 और ये हो जाएगा 9q² + 12q+4. सही है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 3. तो मैं काम करता हूँ डिवाइड बाय 3, मतलब इसको 3 से डिवाइड करके दिखाता हूँ. तो क्या 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है? यस. तो जो नंबर 3 का मल्टीपल है, मतलब इधर मैं फैमिलीज को भी लिख देता हूँ ऊपर, ये फैमिलीज है सारी की सारी, कौन सी, 3, 6, 9, 12, ये सारी फैमिली है. तो इनका जब भी मैं स्क्वायर करूंगा और 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे. देखो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो वो तो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया. सही है. अब 3q+1 की बात करते हैं, तो 3q+1 की फैमिली में कौन कौन होगा, 1, 4, 7 होगा, 10 होगा, 13 होगा, सारे नंबर आ जाएंगे. अब इनको हमने स्क्वायर करा हुआ है, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है. तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ कॉमन आउट लेके. तो अगर मैं इसमें से 3 बाहर निकालू, तो क्या लिखा हुआ है, 3q² + 2q + 1 लिखा है. अब अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, है ना, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ अंदर, कुछ तो स्टोरी लिखा है. तो क्या लिखा है, 3 times something + 1, मतलब 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1. यस ऑर नो? 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है. तो ये सारे नंबर्स को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1. रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0. अब नेक्स्ट फैमिली को देख लेते हैं, 3q+2 की फैमिली में क्या क्या आएगा, बाकी बच्चे सारे नंबर्स, भाई 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, बचा गया 2, 3 आ गया, 4 आ गया, बचा गया 5, 6, 7 आ गया, बचा गया 8, 9, 10 आ गया, बचा गया 11. सही है. अब इनको भी थोड़ा सा मैं कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ. देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 1, तो इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, 3q² + 4q + 1 और प्लस 1. इज इट क्लियर? अब फिर से मैं वही चीज आपको बोलूंगा, इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा है लफड़ा, मतलब क्या है, 3 times some + 1, मतलब 3 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर आएगा, 1. तो हमने प्रूव कर दिया भाई, आप नंबर कोई भी फॉर्म में ले लो, उसको स्क्वायर करने के बाद जब आप 3 से डिवाइड करोगे, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, और दूसरे केस में भी रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कभी 2 नहीं आएगा. तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली है. तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए हम एक एक नंबर को नहीं ले सकते. तो मैं क्या करता हूँ, पूरे नंबर सिस्टम को 3 पार्ट में यहाँ मैंने डिवाइड कर लिया, बिकॉज आई वॉन्टेड सम रिलेशन विद 3, सो दैट वॉज वेरी इजी फॉर मी. अब कुछ कुछ क्वेश्चन में हम नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में करेंगे, 5 पार्ट में करेंगे, वो कैसे कैसे करेंगे आप धीरे धीरे सारा समझ जाएंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो आप. कर लिया सब बच्चों ने? बता देना अगर आपने नोट डाउन कर लिया, तो हम आगे चल सकते हैं. सर 2 मिनट.
अच्छा लिख लिया। चले अब आगे देखो, इसी के बेस पे थोड़े बहुत और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट वी वांट एक्चुअली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने समझा दिया आपको, ये अब इसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आप लोगों को, सारे बच्चों को दिख रहा है क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड ऑड इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो ये बताने की क्या जरूरत है, अगर मैंने डिवाइजर 2 फिक्स कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा या 2q+1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यस सर। तो नंबर अगर 2q और 2q+1 में कन्वर्ट हो गया तो 2q मतलब क्या आ जाएगा, इवन हो जाएगा, और 2q+1 क्या रहेगा, ऑड आ जाएगा। सही है, क्यों? 2 से डिवाइड करने पे +1 कौन देता है, रिमाइंडर, जो ऑड होंगे, और 2 से डिवाइड होने वाले क्या देंगे, इवन दे देंगे। यस सर। सही है, अब समझ आ रही है चीजें, देखो पकड़ पा रहे हो आप धीरे धीरे। यस सर। इसको लिख लो, देन विल मूव ऑन। सब बच्चों ने लिख लिया इसको? यस सर। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। बोल रहा है ऑड जो होता है वो 4m+1 और 4m+3 में होगा, आप ये बताइए। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो देखना बहुत अच्छे से बताऊंगा ना। 4m+1 अगर जो है तो उसको मैं बता सकता हूँ इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4+1, या मैं इसको बोलूँ 2 × 2m+1 लिखूं, मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो तो ऑड होगा। यस। फिर 4m+3 की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2m एक 2 आ जाएगा प्लस 2+1 आ जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये इसमें से पूरे में से 2 निकाल लिया तो 2m+1+1 बन गया। तो मैंने आपको अभी इससे पहले भी यही बताया था, इसको भूल जाओ क्या लिखा है, 2 times something+1 लिखा है, मतलब क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही है, तो ऑड आ जाएगा। यस। अब और क्या क्या नंबर सिस्टम में देखो, 4m+1 आएगा, 4m+3 आएगा, और क्या क्या आ जाएगा, 4m और 4m+2 आ जाएगा। इन दोनों को क्यों छोड़ा जाए, इनको भी बता देते हैं कि भाई आप क्या हैं। तो 4m को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 times 2m है, मतलब इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मैं इसको इवन बोल सकता हूं। और 4m+2 के अंदर मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 2m+1 हो जाएगा। तो मैंने फिर से वही चीज बोलूंगा आपको, इसको भूल जाओ क्या लिखा है, 2 times something लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ टू व्हिच इज इक्वल टू इवन। समझ आ रहा है सबको? यस सर। बिल्कुल, अच्छे ओलंपियाड लेवल के कॉन्सेप्ट्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें सब बच्चे। तो उसने क्या बोला, ऑड बताओ क्या होगा, तो 4m+1 और 4m+3 ही ऑड होगा, 4m और 4m+2 इवन होगा। सही है? यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो अब ये देखो, ये सेम टाइप का ये होमवर्क लिख लो, आप खुद से करके देखोगे। शो दैट 6q+1, 6q+3, 6q+5 ऑड है, तो मुझे बताओ इवन क्या क्या रहा होगा। 6q 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 6 square plus 2 6q और 6q plus 4। वेरी गुड, सबको समझ आ गया। प्लस 2 6q plus 4। Yes, sir. ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इसको आप होमवर्क में लिख लो। लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. देख लेते हैं। यूज EDL टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया था, याद है? स्क्वायर ऑफ एनी is of the form 3m or 3m+1, मतलब yes sir, yes, square का अगर आप चेक करोगे तो वो 3 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देगा, लेकिन कभी भी 3m+2 नहीं आएगा। ये मैंने अभी प्रूव किया था आपके लिए। यस, इस क्वेश्चन को तो हम स्किप कर सकते हैं, ये अभी हम कब क्या है। चलो अच्छा क्वेश्चन ये ले लो आप, इसको आपको करना है। क्या लिखा है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो आप, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। मतलब किसी भी क्यूब को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं
तो रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या वन आएगा या एट आएगा। मतलब अगर किसी भी क्यूब को मैं डिवाइड करता हूँ नाइन से और रिमाइंडर जीरो वन एट के अलावा आता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ऐसे ऐसे वही तो प्रूव कर लेंगे अभी हम। प्रशम आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद प्रूव कर लेंगे। ये इसने बोला है कि किसी का भी क्यूब है ना, अगर आप उसको नाइन से डिवाइड करते हो ना, नाइन से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या वन आएगा या एट आएगा। ये वो बोल रहा है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे और इसको फिर याद रखेंगे हमेशा लाइफ में आगे। किसी भी स्क्वायर को थ्री से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर टू नहीं आएगा, किसी भी क्यूब को नाइन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो वन और एट ही आएगा। क्यों? नाइन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वन आ सकता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो हमेशा जीरो वन और एट ही आएगा। ठीक है, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक सारा का सारा नंबर थियोरी के अंडर में आता है, दिस इज नंबर थियोरी। ठीक है, तो इफ यू वॉन्ट यू कैन, जहाँ हमने स्टार्ट किया था ओलंपियाड का उसको आप हेडिंग दे सकते हो नंबर थियोरी का। ठीक है, ये नंबर थियोरी का पूरा सेक्शन है। सर अब से आगे की क्लासेस में इससे कोई कंटिन्यू करेंगे ना, डाउट क्लासेस में? डाउट क्लास में हम ओलंपिया ड्रिल्स के क्वेश्चन हो सके उसी लेवल के सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे और थ्योरी डिस्कस करेंगे। रेगुलर क्लास विच विल बी फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद पॉलीनोमियल्स। यस सर। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में क्या डाउट में होगा वो सब्जेक्ट टीचर से आप जान लें। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, ठीक है, तो इसको करो फटाफट फटाफट, इसको नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। लिख लो इसको भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख लेंगे आप।